आर्थिक बदहाली से जूझ रहे लंका में नेता सत्ता छोड़कर भाग रहे हैं और शांति व्यवस्था के लिए जनता को गोली मारने का आदेश दे दिया गया है। मतलब ये कि सत्ता में बैठे नेताओं से नाराज होकर जो लोग सड़कों पर उतरे उनके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है, जबकि जिन नेताओं पर देश को इस संकट से उबारने की जिम्मेदारी थी वो लंका छोड़कर भागने की फिराक में है। जहां एक तरफ महिंदा राजपक्षे की नेवल बेस में छिपे होने की खबरें हैं तो वहीं दूसरी ओर सरकार में रह चुके बाकी मंत्री भी जान बचाने के लिए बचते फिर रहे हैं। लंका में इस समय कर्फ्यू लगा हुआ है। 2 करोड़ से ज्यादा आबादी का ये देश जल रहा है। महंगाई के मारे लोग सड़कों पर हैं, वो पुलिस की लाठियां खा रहे हैं और अब तो बवाल करने वालों को गोली मारने के आदेश भी दे दिए गए। मतलब जनता ही दोनों तरफ से पिस रही है, उसे लाठी और गोली दोनों खानी पड़ रही, जिसकी एक बड़ी वजह है वहां के वो नाकारा नेता जिन्होंने दीमक की तरह लंका की अर्थव्यवस्था को खोखला कर दिया। क्योंकि वहां के आर्थिक हालात 1-2 साल में नहीं बल्कि दशकों की लापरवाही की वजह से बिगड़े और नौबत ये आ गई कि लंका के पास कुछ नहीं बचा। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि हालात धीरे धीरे बेकाबू हुए। यही नहीं, इस दौरान एक बार भी ऐसा नहीं हुआ जब लंका की सरकार के पास पूरा बजट रहा हो। लेकिन सत्ता में बैठे लोगों ने इस ओर ध्यान ही नहीं दिया। अब तो हालत यह है कि श्रीलंका को जुड़वा घाटे वाली अर्थव्यवस्था कहा जा रहा है, क्योंकि उसका खर्च उसकी आय से ज्यादा है। यही नहीं, लगातार खराब होते आर्थिक हालात को राजपक्षे परिवार के टैक्स कटौती फैसले ने और खराब कर दिया। या यूं कहें कि सरकार का ये फैसला ताबूत में आखिरी कील था, क्योंकि इसकी वजह से विदेशी मुद्रा भंडार 2 साल में लगभग 70% गिर गया।